यूपी के रामपुर में एक युवक फर्जी दरोगा बनकर फिल्मी अंदाज में अपने दो अन्य साथियों की मदद से नौजवान लोगों को पुलिस में भर्ती कराने का झांसा देकर करीब 30 लाख रुपए से ज्यादा ठगी करने वाले गैंग के सरगना सहित सभी को पुलिस ने फर्जी वर्दी और फर्जी वॉकी टॉकी, फर्जी दस्तावेज व मोहर आदि के साथ बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी दरोगा ने एक युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम भी दिया है। कन्ना रामपुर के साहबाज क्षेत्र के सैफनी ग्राम ताजपुर बेटा की है, जहां पर ठगी का ताजा प्रकरण प्रकाश में आया है। दिनेश पुत्र जगदीश निवासी ग्राम मंसूरपुर असमौली का रहने वाला है। उसकी मुलाकात दो वर्ष पूर्व ताजपुर बेटा की रहने वाली एक युवती जो कि मुरादाबाद में जीएनएम का कोर्स कर रही थी उससे हुई। जगदीश ने उस लड़की को अपना परिचय उत्तर प्रदेश पुलिस के दरोगा के रूप में कराया और युवती से शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फंसा लिया। लड़की ने अपने पिता से रिश्ते की बात कराई, सारी बातें तय हो गयी। दिनेश ने अपनी पोस्टिंग गर्ल सहित मुरादाबाद में बताई। युवती के पिता ने जब टीका कराने की बात कही तो दिनेश पुलिस की वर्दी पहन कर आया और युवती के घर गया। युवती के पिता कहा कि मेरा नंबर पुलिस कप्तान में आ गया है, जितने रुपए टीके में खर्च करोगे उतने रुपए मुझे नगद दे दो। उसके बाद युवती के पिता ने जमीन बेचकर 4 लाख रुपए दिए। इसके बाद कार खरीदने के नाम पर गाड़ी के लिए 2 लाख तथा मकान बनवाने के लिए सीमेंट के कट्टे दिए। कुछ दिनों में दिनेश की युवती के घर आना जाना बंद कर दिया। तभी कुछ युवक युवती के घर ताजपुर बेहटा पहुंचे, जहां पर बोले कि दिनेश ने हमारी नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूल लिए हैं और हमारी ट्रेनिंग भी कराई है। इस बात की सूचना लड़की के पिता को हुई तो युवती के पिता के होश उड़ गए। लड़की के पिता ने वाली शाहबाद में तहरीर दी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा कर दिनेश को गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं फर्जी दरोगा बनकर उसके अन्य 3 साथियों ने 2 माह तक 24वीं वाहिनी पीएससी में भर्ती के नाम पर दौड़ भी लगवाई, मोटी रकम की ठगी की गई। उसके बाद शाहबाद क्षेत्र के सैफनी चौकी ग्राम ताजपुर बेटा में फर्जी दरोगा दिनेश ने न सिर्फ अपने होने वाली पत्नी के पिता को ही ठगा बल्कि गाँव के अन्य व्यक्तियों को भी ठगा। ताजपुर बेटा निवासी प्रदीप कुमार पुत्र राजपाल व प्रमोद पुत्र रण सिंह निवासी सराय सिकंदर थाना बनिया ठेठ जिला संबल को भी पीएससी में भर्ती कराने के नाम पर 1 से 4 लाख 85 हजार रुपए तो व दूसरे से 3 लाख 30 हजार रुपए की ठगी की। दोनों को 24 पीएससी वानी मुरादाबाद में बुलाया गया और दौड़ भी लगवाई गई। उसके बाद 15 दिन की छुट्टी दी गई और मेडिकल भी कराया गया व अन्य कागजात भी मनवाए गए, लेकिन 2 दिन मुरादाबाद में रखा गया और तीसरे दिन एक लेटर 6वीं वाहिनी मेरठ के लिए लिखा गया और मेरठ ले गए। मेरठ पहुंचकर बताया कि बैरक में जगह नहीं है इसलिए होटल में रुकना पड़ेगा। दिनेश के 3 अन्य साथी भी जिसके नाम सलमान मोइन और जियाउल्लुक हैं उसके साथ धोखाधड़ी में शामिल थे। पुलिस ने चारों के विरुद्ध धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कर लिया। इस पूरे मामले पर आज एएसपी अरुण कुमार ने खुलासा करते हुए पूरा घटनाक्रम बताया। बाद में सभी आरोपियों को मीडिया के सामने समक्ष पेश कर जेल के लिए रवाना कर दिया। ठगी का है, एक व्यक्ति जो संभल कर रहने वाला है थाना साहबाद क्षेत्र में, उसने लोगों को अपना व्यवसाय बताया कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर है और इस बिना पर एक व्यक्ति साहबाद क्षेत्र का उसे प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने अपने को अविवाहित बताया और उस व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता भी उससे पक्का कर दिया। रिश्ता हो जाने के बाद उसने कई किस्तों में उससे पैसे ठगे, कभी घरेलू आवश्यकताओं के नाम पर, कभी ये बताते हुए कि मेरा विभाग में कुछ प्रमोशन होने वाला है वहाँ कुछ पैसे खर्च होंगे। उस सीधे साधे ग्रामीण ने इस तरह से उसे पैसे दिए, कई लाख रुपए दिए। अब आसपास के लोगों का भी विश्वास जम गया। इसने अपने को मुरादाबाद जनपद के एक थाने में पोस्टेड बता करके 4-5 महीने उसके घर से जाके नौकरी किया। उसके पास वर्दी भी थी, एक फर्जी वाकी टाकी भी उसके पास था। ग्रामीणों को ये विश्वास हो गया कि ये व्यक्ति पुलिस में है और नौकरी लगवाने में सक्षम है, तो इसने इस आधार पे भी लोगों से पैसे लिए। इसके रैकेट में 2-3 लोग और शामिल हुए और इस तरह से पता चला इलाके से इसने 300 लाख रुपए ठग लिए लोगों को भर्ती कराने के नाम पर। 3-4 बच्चों का इसने मेडिकल भी कराया और उनको एक इंस्ट्रक्टर, फर्जी इंस्ट्रक्टर लगा करके 24 बटालियन के परेड ग्राउंड जब खाली रहता था, जिस समय लोग जाके वहाँ दौड़ धूप का अपना अभ्यास करते हैं, उस दौरान उसने उनको वहाँ दौड़ा करके ये भी बताया कि आपकी ट्रेनिंग भी चल रही है। तो इस तरह से
लोगों को, जो सीधे साधे लोग हैं उनको गुमराह करके इसने पैसे ठगे। और इतना ही नहीं, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था उसके घर जब ये 4-5 महीने रहा, इस दौरान उन्होंने उस लड़की से नाजायज ताल्लुकात भी बनाए। तो इस आधार पर इस पूरे गैंग के खिलाफ 3 मुकदमे लिखे गए हैं। एक मुकदमा तो जो लीडर इसका है दिनेश, जो फर्जी उप निरीक्षक बना था, उसके खिलाफ है, जो उसने शादी का झांसा देकर पैसे भी लिए और लड़की जिसके साथ शादी तय थी उसके साथ दुष्कर्म भी किया। शेष 2 मुकदमे पूरे गैंग के सभी सदस्यों के खिलाफ है, जो एक रैकेट बना करके इन्होंने सबसे पैसे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए तुषार सक्सेना की रिपोर्ट, रामपुर। हमीरपुर में पानी की मांग को लेकर हमीरपुर में 4 दिन से क्रमिक अनशन चल रहा है, जो कि आमरण अनशन में तब्दील हो गया है। दर्जनों लोग मौदा तहसील परिसर में 5 दिन से अनशन पर बैठे हैं, जिसका ना तो जिला प्रशासन ने कोई समाधान निकाला है और ना ही अनशनकारियों की फिक्र की गई है। और अनशनकारी 47 डिग्री तापमान पर खुले मैदान में बैठे हुए हैं। हमीरपुर जिले की यह मौदा तहसील है, जहां पर पानी की मांग को लेकर पिछले 5 दिनों से क्रमिक अनशन चल रहा था, जो कि आज आमरण अनशन में तब्दील हो चुका है। अनशन पर बैठे इन लोगों की मांग है कि मौदा ब्लॉक क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक गाँव में जहाँ भीषण पेयजल संकट है, वहाँ पानी पीने के लिए कोई उचित व्यवस्था की जाए। आपको बताते चले कि मौदा ब्लॉक के छानी, बक्सा, सायर और गुसियारी सहित दर्जनों गाँव में भीषण जल संकट है। यहाँ छानी और बक्सा गांव के लोग के नदी का प्रदूषित पानी पीने को मजबूर है। यहाँ के लोग सुबह से नदी पर पहुँच जाते हैं और बैलगाड़ियों पर और सरों पर पानी लेकर वापस आते हैं, तो वहीं सैर गांव में के लोग दूर दराज से पानी लाने को मजबूर है। कुछ ऐसा ही हाल गुसियारी गांव का भी है, जहाँ पर बड़ी आबादी वाले इस गाँव के लोग भी गाँव के बाहर बने इकलौते कुएं के भरोसे जिंदगी जी रहे हैं। और बड़ी बात तो यह है कि इस गाँव में जल संकट 12 महीने बना रहता है और इसी तरह के हालात और कई गांव में भी हैं, जिसको लेकर यहां तमाम लोग बुंदेलखंड व नव निर्माण सेना के बैनर तले अपना धरना दे रहे हैं। और सोचने की बात यह है कि 47 डिग्री तापमान पर अनशन करते इन लोगों को 5 दिन हो गया है, जिसकी ना तो जिला प्रशासन और ना ही तहसील प्रशासन को फिक्र है। कहीं ऐसा ना हो कि पानी की मांग करने वाले खुद बिना पानी के चिलचिलाती गर्मी का शिकार हो जाएं। इसलिए जरूरत है कि जिला प्रशासन इनकी फिक्र करते हुए इनकी समस्याओं का समाधान निकाले और इनका आमरण अनशन खत्म कराए। सूखा है बुंदेलखंड, प्यासा है बुंदेलखंड। आप लोग कितने दिन से यहाँ बैठे हैं अनशन पर, अब क्या चल रहा है? हमारे अनशन का आज 5वां दिवस है, क्योंकि हम लोग 10 जून से क्रमिक अनशन पर थे, आज से हम लोगों ने आमरण अनशन भूख हड़ताल प्रारंभ की है। क्या चल रहा है, क्या मांग? देखिए, बुंदेलखंड की स्थिति जो इतनी दयनीय है पानी को लेकर के, क्योंकि बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पानी की बड़ी विकराल समस्याएं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, लोग नाली का पानी पीने के लिए मजबूर हैं। 21वीं सदी में भी हम लोग टैंकर के पानी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि पूरी मात्रा में हम लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। गुसियारी है, बक्सा है, ऐसे गाँव में इतनी विकराल समस्याएं, आज की नहीं 12 महीने पानी की बड़ी विकराल समस्याएं रहती हैं, फिर भी हम लोग किस तरह से गुजारा करते हैं जान नहीं जाती। बस ये बचा हुआ है कि हम लोग आज जिंदा हैं, जो थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि 2-4 साल यदि व्यवस्था नहीं होती है तो हम लोग यहाँ से पलायन तो हो ही चुका है, कम से कम 60-70% में पलायन हो चुका है, और लगता है कि हमारी जान भी चली जाएगी। जो और दूसरी चीज़ कि हम लोग अनशन में बैठे हैं, या तो हमारी जान जाएगी या तो हमें पानी मिलेगा, ये आज से हम लोगों ने निर्णय ले लिया है। आज हम लोग यहाँ पर 5 लोग आमरण अनशन में बैठे हैं, 1 लेडीज हमारे साथ आमरण अनशन में बैठी हुई है, 4 लोग हम लोग आमरण अनशन में आज से बैठे हुए हैं और निरंतर हम लोग बैठे रहेंगे। क्या हुआ, अधिकारियों से कोई बात नहीं हुई, कोई आया नहीं आपके पास? यहाँ पर उपजिलाधिकारी महोदय और जल संस्थान के भी अधिकारी आए, लेकिन उनका तर्क ये है कि हम अनशन से आपको उठवा देंगे, समस्या पर बात नहीं करते हैं कि समस्या का समाधान हम लोग कैसे करेंगे, बातें करते हैं शासन सत्ता वाली और हम लोगों को डराने का प्रयास करते हैं कि आप लोग अनशन समाप्त करें, यहाँ से उठें और यहाँ से जाइए नहीं, हम अस्पताल में आपको भर्ती करवा देंगे, आप भूख हड़ताल में ना बैठें। लेकिन हम लोग डरने वालों में से नहीं, हमने कह दिया, खुली चेतावनी है, यदि फिर भी प्रशासन नहीं चेतता है तो हम लोग सड़कों पर आ जाएंगे, जिस तरह से भी प्रदर्शन होगा हम लोग करने के लिए पूरी तरह से बाध्य होंगे। TV1 इंडिया न्यूज के लिए विकास सिंह की रिपोर्ट, हमीरपुर।